cause I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of all myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Guys, what's up? So my name is Preeti Yadav and today I'm going to take you to City of Lakes ki most popular lake, which is known as Upvan or Upvana Lake, aur ye hai Thane mein. वैसे मैंने येऊर हिल्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि थाने में कितनी लेक्स है टोटल, तो सेम मैं यहाँ पर भी पूछना चाहती हूँ कि थाने में टोटल कितनी लेक्स है, तो जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले आपको आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से आपको ट्रेन लेना है टिल थाने स्टेशन। जैसे ही आप थाने स्टेशन आओगे आपको वेस्ट साइड उतरना है, दैट इज अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो जहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 आता है वो वेस्ट साइड है। और जैसे ही आप वेस्ट साइड आओगे ना बाहर एक बस स्टॉप है, तो हम लेंगे अभी बस, तो चलिए चलते हैं बस स्टॉप की तरफ। ने उपवन लेक आने के लिए बस लिया, बस नंबर जो उपवन लेक आती है वो है 10 and 34, सो हमने 10 लिया और वो डायरेक्टली स्टॉप पे पहुंचाया एंड द फेयर इज ₹15। सो यस, दिस इज मोर कन्वीनियंट वे टू कम फ्रॉम थाने स्टेशन टू उपवन लेक। और आप देख ही सकते हो कि व्यू बहुत प्यारा है, लाइक द सीनिक व्यू इज़ मोर लाइक अ पैराडाइज। ऐसा लग रहा है मैं कोई हिल स्टेशन आई हूँ, जो कि मैं एक्चुअली हूँ थाने में। थाने इज़ मोर लाइक एन हिल स्टेशन, राइट? द फीलिंग इज़ द सेम। मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा येऊर हिल्स है जिसके ऊपर मैंने व्लॉग बनाया है और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे उपवन लेक, तो चलिए। हम जैसे ही उपवन लेक एंट्री किए वैसे ही एक पार्क दिखा हमें, और ये छोटा सा पार्क है, बट यू नो वॉट, दिस पार्क इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी, एट द सेम टाइम ये बहुत क्लीन है। यहाँ पर किसी ने एक भी प्लास्टिक नहीं थ्रो किया है। सो या, दिस पार्क इज़ रियली ब्यूटिफुल विथ द ग्रीनरी, और यह बहुत छोटा पार्क है, सो यू कैन स्पेंड टाइम हियर ऑल्सो वेन यू आर प्लानिंग टू कम टू उपवन लेक। छोटा सा ओपन जिम है जो आप प्रिफर कर सकते हो अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है, तो या फिर आप मॉर्निंग में आ रहे हो, अर्ली मॉर्निंग। सो या, एंड दैट टू यू कैन क्लियरली सी कि पूरा सराउंडिंग ही ग्रीन है, प्लस इट इज़ वेरी क्लीन, लेट मी एंजॉय। यू नो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस पार्क, लाइक ऐसा क्लीनिनेस बहुत कम पार्क में देखने मिलता है जहाँ पर एक्चुअली हम विजिटर्स बहुत मेंटेन करके रखते हैं। सो या, थम्स अप टू दिस पार्क। जैसे इतनी अच्छी प्लानिंग करके निकले थे बट हमारे रास्ते में अड़चन आ गया है, पता है क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर कोई सीरियल का प्रोमो शूट हो रहा है, विच मीन्स दिखा रहा है कि एक्चुअली ये उपवन लेक काफ़ी फेमस है, राइट? अगर मतलब यहाँ पर शूटिंग हो रही है तो मतलब लोग जानते हैं, तभी तो ये प्लेस ऑप्ट कर रहे हैं, राइट? ये देखा जाए तो ये 360 डिग्री में आप वॉक कर सकते हो, सो दिस लेक इज़ वेरी बिग। हमें बीच में बॉडीगार्ड ने रोका था, बट आगे हमने पूछा तो लोगों ने बताया कि आप ऊपर से जा सकते हो। जैसे ही हम ऊपर से जा रहे थे तो हमने देखा कि एक्चुअली शूटिंग चल रहा था, लाइक बॉडी को जलाया जा रहा था, वैसे ही शूटिंग चल रही थी। तो हमने पता किया और हमें पता चला कि मराठी सीरियल का प्रोमो चल रहा है, और हम उसी से बाहर आ गए। अब हम जाएंगे लेक साइड, चलिए। अबाउट उपवन लेक इज के यहाँ पर खाने के ऑप्शन है, लाइक वैंकिस किचन है और वहाँ पर भी एक होटल है। डेफिनेटली अगर हम दूर से आ रहे तो भूख तो लगना तो ऑब्वियस है ना, बट हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमें लेट हो रहा है, व्लॉग भी तो शूट करना है आप लोगों के लिए। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया था स्टार्ट में कि मराठी सीरियल का प्रोमो चल रहा है, और यहाँ पर बॉडी जलाया जा रहा है, और ये पुलिस आप देख रहे हो सामने खड़े। मुझे ऐसा देखकर लग रहा है, ये मेरा अजम्पशन है कि यहाँ पर एक्चुअली पुलिस इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सीरियल आने वाला है मे बी जिनकी बॉडी जलाई जा रही है वो पुलिस है, और इसलिए इनको सैल्यूट किया जा रहा है। इट्स टाइम फॉर फन फैक्ट नंबर 1, पुलिस थाने। आपके मन में डर पैदा हुआ ना, क्योंकि मेरे मन में ज़रूर हुआ। पता है आपको आज मैं थाने की हिस्ट्री बताने वाली हूँ।
थाने जो वर्ड है वो एक मराठी वर्ड है विच मीन्स पुलिस चेक पोस्ट। जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल कर रहे थे इंडिया को तो आफ्टर मुंबई थाने वॉज दी पुलिस चेक पोस्ट फॉर ब्रिटिशर्स, तो इस वजह से नाम पड़ा है थाने। और पता है आपको थाने इंडिया का 15th मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है और ये 147 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में फैला हुआ है। सो दैट्स दी फन फैक्ट नंबर वन। वन लेक आए और बोट राइड ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने बोट लिया है जिसका कॉस्ट है 75 रुपीज़। सो लेट्स गो एंड एंजॉय दी बोट राइड। और ये सेल्फ राइड बोट है, सो या आपको पैडलिंग करना है जस्ट लाइक साइकिलिंग थिंग। हमने बोट ले लिया है एंड व्यू इज वेरी प्रिटी। जो फीलिंग आता है ना पॉजिटिविटी का, सेम आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इट इज़ सो नाइस, यू नो द एक्सपीरियंस इज सेम। लाइक मैं जब काशी विश्वनाथ गई थी ना, आई नो मुझे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए बट स्टिल द फीलिंग इज रियली नाइस। इट इज़ मोर ऑफ पॉजिटिविटी, प्लस यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति है। पैडल मारना बहुत मुश्किल काम है, बहुत दम लगता है पता है आपको, बट बहुत अच्छा लग रहा है। सरोवर में समाधि में बैठे शिव जी का बस वो दृश्य बस देखकर मन प्रसन्न हो जाता है और शिव जी की ज्योति से प्रकाश पड़ता है। जो भी जाता है शिव जी के द्वार कुछ ना कुछ उसे जरूर मिलता है और हमें मिल रहा है आज सुकून। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि 75 रुपीज़ और 30 मिनट्स बहुत कम है, शायद से आपको एक्सपेंसिव भी लगेगा, बट एक्चुअली बोलूँ जब आप पेडलिंग करने लगोगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना दम लगता है। तब आप लगोगे सोचने कि अरे जल्दी ख़त्म हो जाए जल्दी ख़त्म हो जाए, बट हमें जल्दी नहीं है कोई, हम तो इन्जॉय कर रहे हैं। अगर आप शहर की ज़िंदगी से परेशान हो चुके हो और सच में कुछ दिनों की शांति चाहते हो बट टाइम नहीं है या संडे ही है आपके पास, तो मैं आपको ना नैनीताल या मंसूरी जैसे प्लेस का एक्सपीरियंस उपवन में करा सकती हूँ। एक बार जरूर आना जो मुंबई में रहते हैं। इट इज वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस, बहुत शांति है ये प्लेस में। फाइनली हमने बोटिंग कर लिया, एक्सपीरियंस वॉज लाइक आई कांट डिस्क्राइब, इतना अच्छा था। एंड यू नो जब आप ट्रेन जर्नी करते हो तो यू नो ट्रेन हिलते रहती है, तो आप जैसे ही बाहर स्टेप करते हो आपको ऐसा लगता है कि आप वही सेम एक्सपीरियंस कर रहे हो। सेम गोज़ टू पिकनिक राइड, जब हम राइड में बैठते हैं तो वही सेम एक्सपीरियंस होता है ना कि आप एक्चुअली नीचे जा रहे हो ऊपर आ रहे हो। तो हमने भी पैडलिंग किया और पैडलिंग का एक्सपीरियंस हमें भी सेम लग रहा है कि मैं स्टिल ऐसी पैडलिंग कर रही हूँ, वो सेम है अभी एक्सपीरियंस। अब बात करेंगे हम फन फैक्ट नंबर टू की। थाने और इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि थाने में टोटल कितने लेक है, तो यहाँ पर टोटल 34 लेक्स है और जो उपवन लेक है ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ थाने है। एंड दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल, इट इज़ मोर लाइक एन हेवन। दिस प्लेस इज सो हैपनिंग दैट पीछे क्रिकेट स्टेडियम भी है, प्लस मैंने दिखाया था गार्डन भी है और पीछे येऊर हिल्स है, प्लस यहाँ पर खाने के लिए अरेंजमेंट भी किया गया है। दैट मीन्स दिस प्लेस इज़ वेरी लाइवली, लाइक एक्चुअली पीपल विजिट दिस प्लेस एंड दी एक्सपीरियंस इज मोर लाइक नैनीताल और मैसूर। जो मुंबईकर्स हैं ये यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं अपने हेक्टिक शेड्यूल से, सो या इट इज़ वर्थ विजिटिंग। सो दिस वॉज फन फैक्ट नंबर टू। वो पता है उपवन लेक सेकेंड लार्जेस्ट लेक है थाने का, प्लस यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इतना पॉपुलर है कि यहाँ पर शूटिंग भी चालू था एंड ये पूरा 6 हेक्टर्स में फैला हुआ है। सनसेट का टाइम हो रहा है, आई विल एंजॉय माई सनसेट व्यू एंड फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग। सो दिस इज द बेस्ट टाइम क्योंकि ठंडी का मौसम है, टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है और बाल भी उड़ रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा मौसम है। सो बाय, टेक केयर।